डूड, मुझे ये मालूम है कि आत्मा इज द प्रकाश, आत्मा इज द लाइट, ये आत्मा प्रकाश है. तो ये जो आत्मा प्रकाश के रूप में है, जो ब्रह्म, ये ब्रह्मलोक में हम लोग रहते हैं, तो इस ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, वो आत्मा से कैसे प्रकाश में, ये जीव में परिवर्तन हुए, एंड देन फ्रॉम देयर वी आर एक्चुअली इन दिस एंटायर होल वर्ल्ड. सो जस्ट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, ये मुझे समझना है कि ये कैसे जीव आत्मा से प्रकाश से कैसे जीव उत्पत्ति कैसे हुई जीव की. देखो, आप अभी इंद्रियों से जगत को देखते हैं, मन से सोचते हैं, बुद्धि से निर्णय करते हैं, तो इनको बोलते हैं करण. बाहर के करण, अंदर के करण ऐसे व्यस्त हैं कि उसी प्रकार की बुद्धि बनी है. कुछ दिन शांत में रहो तो बहिकरण, अंदर के करणों का प्रभाव कम होकर आपके आत्म प्रकाश, आत्म वैभव का महत्व बढ़ेगा. अभी तो कल्पना से ही समझो कि आप आत्मा किसको बोलते हैं, जहां से मैं उठती है. तो मैं चैतन्य स्वरूप है, उसी मैं चैतन्य से रात को स्वप्न में रेलगाड़ी कैसे बन जाती है, लोहे के पहिए कैसे आ जाते हैं और गडरों की ट्रैक कैसे बन जाती है. तुम्हारे में तो अंदर लोहा है नहीं, लोह तत्व इतना नहीं है जिस पर ट्रेन चले, तो ट्रेन कैसे बन जाती है. मुंबई नो हलवो ठंडो हलवो खाई ले, नड़ियाद ना गोटा भरूच नी सिंग लाई ले, अजमेर का दूध मिठा पाई ले भाई, आभोगी रबड़ी बड़ी, हरिद्वार के ममरेश प्रसाद गंगा जली, ये तुम बंबई में सोते सोते ऐसा कैसे बन जाता है, जब तुम्हारा इस चैतन्य से इतना सारा हरिद्वार दिल्ली बंबई कलकत्ता तुम बना लेते हो, उस समय वो सच्चा लगता है. आत्मा का ही वैभव है. जैसे घास, पानी, मिट्टी, ये आत्मदेव का ऐश्वर्य है, लेकिन उसमें से अंगूर का रस बनता है, वैभव है. गन्ने का रस बनता है, वैभव है. आप भोजन खाते हैं, ये ऐश्वर्य है, लेकिन उसमें से पुत्र उत्पत्ति का रस बनता है, ये आपका वैभव है. भगवान बनाता है, भगवान बनाता है, तो तुम्हारे से अलग होके भगवान थोड़े बनाता है. यही भगवान रोटी में से खून बनाता है ना, और खून में से सप्त धातु बनाता है, छह धातु, उसी में से बेटे बेटियां बनाता है. ऐसा नहीं भगवान कहीं बैठ के कोई रॉ मटेरियल आके दुनिया बनाता है. यही सबका अंतरात्मा होकर बनाता है. मकोड़े में बैठ के मकोड़ी मकोड़ियां पैदा करता है, मनुष्य में बैठकर बेटा बेटी बनाता है, सुख दुख बनाता है. वो दूर नहीं है, ऐसा भ्रम हो गया कि भगवान दुनिया बनाते तो कहीं उधर होके बैठ के बनाते क्या. जैसे कुम्हार मिट्टी ला के घड़े बनाता है, फैक्ट्री वाला रो मटेरियल ला के अपना फैक्ट्री के कल कारजने पुर्जे बनाते, ऐसा नहीं है भगवान. भगवान तो सर्वव्यापी अंतर्यामी है और सभी के शरीर से सब क्रिया हो रही हो, तो भगवान ही तो बना रहा है ना. भगवान कहीं ऊपर बैठ के बना के फेंकता नहीं है. हाँ, फिर भी बोलते हैं भगवान ऊपर, अल्लाह ऊपर, गॉड ऊपर. तो नीचे के केंद्र में काम है, क्रोध है, लोभ है, कल्पना है, भावना है. हाँ, ऊपर के केंद्रों में भगवान का विचार है, भक्ति है, आनंद है, इसलिए हाथ ऊपर उठते हैं. मुसलमानों ने देखा कि हिंदू लोग हाथ ऐसा धोते, तो अपन विशेष ऐसे हाथ धोते हैं, तो फिर हिंदू लोग हे भगवान ऐसा बोलते, तो तुम ये अल्लाह ऐसा क्यों नहीं बोलते. नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि अल्लाह तो उर्द भाव है, इसीलिए हाथ ऊपर ही जाएंगे. या अल्लाह ऐसा नहीं बोल सकते. तो भगवान के विषय की समझ नहीं है. भगवान को पाने की रुचि हो तो फिर समझ. एक तो होता है भगवान के विषय में
भावना, दूसरा होता है कल्पना, तीसरा होता है भावना नहीं कल्पना नहीं भगवान के निमित्त करे जाओ भगवान जाने, वो भी अच्छा है, लेकिन आखिरी में ये सब करते कराते भगवान के विषय का ज्ञान जीवात्मा को ईश्वर से भगवान से एकत्व कर देगा, भगवान की भावना भगवान में प्रेम पैदा कर देगी, भगवान के लिए कर्म करोगे तो कर्म में शुद्धि आ जाएगी तो शुद्ध सुख मिलेगा। अरे चलो भगवान के नाते ग्राहक को दे रहा ठगोनी, भगवान के नाते देरानी जेठानी से भगवान के नाते व्यवहार तो कर्म शुद्ध हो जाता है, कर्म शुद्ध से फल भी शुद्ध होता है तो संसार में सुख मिलता है। भगवान के भाव से बनाया किया तो भाव से भगवत, भाव से भगवत रस आता है, लेकिन ये भाव भी बदलता है कर्म भी बदलता है, फिर भी जो नहीं बदलता ऐसे आत्मदेव भगवान का ज्ञान पाओ तो फिर आपको पता चलेगा कि वही मेरा आत्मा ही भगवत रूप है।